जनता दल में बगावत की आंधी है। पार्टी के 5 एमएलसी ने पद से इस्तीफा दे दिया है, जेडीयू ज्वाइन कर ली है। पार्टी के सीनियर नेता और लालू प्रसाद यादव के खासम खास रहे रघुवंश प्रसाद ने भी उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। रोहित सिंह इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं। रोहित, आपसे जानना चाहेंगे, जाहिर सी बात है मुश्किल घड़ी, लेकिन जो वजह सामने आ रही है वो वंशवाद आरजेडी का। चुनाव से पहले आरजेडी में बड़ी, देखिए जहां तक वजह की बात है तो 5 एमएलसी जिन लोगों ने इस्तीफा दिया है वो पूरी तरीके से लालू यादव के करीबी माने जाते हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के नेतृत्व से काफ़ी नाराज थे और बता रहे थे कि ऑटोक्रेटिक तरीके से यानी तानाशाह तरीके से वो पार्टी को चला रहे हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, किसी की किसी से बात नहीं करते हैं, परामर्श नहीं लेते हैं। इसीलिए और काफ़ी दिनों से जेडीयू भी जो है ऐसे विधायकों के संपर्क में थी जो कि आरजेडी से नाराज चल रहे थे, और आज 5 एमएलसी जो हैं आरजेडी के उन्होंने इस्तीफा दिया है। जेडीयू में शामिल भी हो चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आवास पर उनसे मुलाकात करने के बाद, और अब उन्हें जेडीयू एमएलसी के तौर पर स्पीकर ने जो है मान्यता भी दे दी है। लेकिन बड़ी खबर दूसरी एक और ये भी है कि जिन 5 एमएलसी ने इस्तीफा दिया है उसमें एक मुस्लिम है कमरे आलम और एक यादव समाज से आते हैं दिलीप राय, यानी कि मैसेज देने की कोशिश यहाँ नीतीश कुमार की तरफ से ये है कि यादव और मुसलमान भी अब जो है वो लालू प्रसाद या कह सकते हैं आरजेडी के साथ नहीं है। दूसरी तरफ रघुवंश प्रसाद सिंह की बात करें तो पार्टी के कद्दावर नेता हैं, उन्होंने भी अपने पार्टी पद से इस्तीफा दे दिया है। उपाध्यक्ष थे, उन्होंने इस्तीफा दिया। उनकी नाराजगी ये है कि उन्हीं के एक प्रतिद्वंदी हैं दूसरे रामा सिंह, वैशाली के ही हैं और वो लोजपा से चुनाव पहले एमपी थे, उनको आरजेडी ने शामिल किया है कुछ दिन पहले, और इसी को लेकर उनकी भी नाराजगी थी और उन्होंने भी जो है इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं चुनाव से पहले आरजेडी के लिए काफ़ी मुश्किलों का वक्त है, और ये भी बताया जा रहा है कि 2 दर्जन से भी अधिक विधायक आने वाले दिनों में पार्टी छोड़ सकते हैं। जी रोहित, रहिए हमारे साथ, और इस बीच क्या कहना है बिहार विधान परिषद के सभापति का, जरा वो भी सुन लेते हैं। अभी दे दिया है, सत्यापन भी हो गया है, उनसे बात भी हो गई है, सब लिखित रूप से सामने सिग्नेचर भी करा लिए हैं, उनके सिग्नेचर को वो जो शपथ ग्रहण होता है उसे मिला भी लिए हैं, उनका रोल उपस्थिति पंजी जो होती है उससे भी मिला लिए हैं। सब तरह से 5 आदमी हैं, इसमें संजय प्रसाद जी, श्री राधाचंद साह, श्री दिलीप राय, मोहम्मद कमर आलम और रणविजय कुमार सिंह। एक विजिट क्वालिफिकेशन है 10th शेड्यूल के अंडर, उसको पूरा करते हैं पांचों मिल करके, और पांचों एक साथ मिल करके दिए हैं, तो इसलिए उन लोग की सदस्यता नहीं जाएगी और इन लोगों को मान्यता मिल गई है जेडीयू के सदस्य के रूप में। और इस बीच रोहित, एक और बड़ी खबर जो सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो ये कि रघुवंश प्रसाद ने अपने पद से इस्तीफा, पद से वो हट गए हैं, लेकिन इसके मायने क्या देखे जाएं, क्योंकि वो तो काफी खासम खास लालू यादव के माने जाते हैं। जी बिल्कुल, लालू के मुश्किल घड़ी में अगर कोई नेता उनके सबसे साथ खड़ा रहा है, उनके पीछे खड़ा रहा है, तो वो रघुवंश प्रसाद सिंह हैं। केंद्र में मंत्री भी रह चुके हैं और पार्टी में भी बड़े पद पर थे, उपाध्यक्ष थे, लेकिन पिछले कुछ दिनों से पार्टी में उनकी भी नहीं चल रही थी। उनके बदले जगतानंद सिंह जो है प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया, इससे रघुवंश प्रसाद सिंह नाराज थे, और अब जो ताज़ा विवाद ये उठा है कि रामा सिंह एक क्रिमिनल अपराधी जो है जो पॉलिटिक्स में आए थे, पहले सांसद भी रह चुके हैं, उनको आरजेडी ने जो है अब पार्टी में शामिल कर लिया है, और ये उसी क्षेत्र से आते हैं, वैशाली से आते हैं, जहाँ की राजनीति रघुवंश प्रसाद सिंह करते हैं, और इसीलिए रघुवंश प्रसाद सिंह को अब नाराजगी हुई कि रामा सिंह को क्यों लिया गया है पार्टी के अंदर, और इसीलिए उन्होंने अपना विरोध जताते हुए आज फिलहाल अपने उपाध्यक्ष पद से जो है इस्तीफा दे दिया है। तो कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति यहाँ रघुवंश प्रसाद सिंह की तरफ से भी है, क्योंकि पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया है, दबाव ये कि आप रामा सिंह को पार्टी से बाहर करें, नहीं तो मैं पार्टी भी छोड़ सकता हूँ। जी, नजर बना रखिए, शुक्रिया फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर फिलहाल।